तो गाइस मुझे लगता है कि आज का ट्रिप इसलिए लेट हो जाएगा, देख रहे हो आप, इसलिए लेट हो गई है। बहुत बुरी तरह टिकट हुआ है और इसके ठीक पीछे दे गाइस खाली जा, दे 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 भाई भाई दे भाई, क्या हो रही है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो गाइस गुड मॉर्निंग टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज संडे का दिन है और हो चुकी है नई जर्नी की शुरुआत और मैं जा रहा हूँ अमृतसर। जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया कि सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, तो लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो गाइस जाके देखो और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फ्रेंड आ चुका है, जैसे कि उसने बताया कि वो रास्ते में खड़ा हुआ है और अभी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, भाई जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हम घर से जल्दी से टाइम से निकल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बने रहो मेरे साथ आगे की अपडेट्स के लिए। तो गाइस फ्रेंड आ चुका है लेने के लिए मुझे और उसको इशारा कर देता भाई यहाँ पर आ जाएगा गाड़ी लेके ना। तो गाइस फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी काफ़ी अंधेरा था इसलिए मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया किसी से, तो थोड़ा सा उजाला होने देते हैं फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सभी लोगों से। बाकी थोड़ी देर पहले ही निकला हूँ घर से और अभी हम हाईवे पे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, तो बने रहो मेरे साथ फिलहाल ना। हम पहुँच गए अमृत सुखदेव और उसके बगल में देख सकते गाइस गरम गरम ढाबा जो कि काफी फेमस है दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए भाई अड्डा ये, जितने भी लौंडे होते हैं सब यहाँ पर पराठे खाने आते हैं भाई और मस्त जगह है भाई। अगर आप भी दिल्ली से हो तो भाई आप यहाँ आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तकरीबन 50 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और अभी काफी टाइम है हमारे को अमृतसर पहुँचने के लिए और अनीस भाई साहब हमारे गाड़ी चला रहे हैं। समय गाड़ी पार्किंग कर दी है और किसी छन हवेली पे रुका हूँ जैसा कि आप देख सकते हो और 150 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और ये अपनी गाड़ी है जिससे अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं और पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर बैठी हुई है गाइस। ब्रिज का बोर्ड है छन हवेली का और अभी गाइस हम हरियाणा में ही हैं करनाल में और थोड़ा सा खाली दिखा था हम इसलिए हम यहाँ पर रुके और बाकी जगह काफ़ी ज़्यादा रस था इसलिए हमने वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा यार। और अंदर बैठे हुए सबको ठंड लग रही थी और ये सब कोने में अकेले बैठे हुए यार और कोई तो बैठा नहीं है यहाँ पे। ट्रिप पे किसको मज़ा नहीं आ रही बताओ आप? हमें नहीं आ रहा, आप लोग यार सकते जिसको मजा आ रहा है वो अपना खाए पिए और निकल ले यहाँ से। तो भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और हम आगे जाएंगे, जिसको मज़ा नहीं आ रहा वो यहीं से वापस आ जाएंगे। और हमारे साथ एक छोटे बच्चे ही है और हमारे साथ एक दूसरा छोटा बच्चा ही है। कैसा लग रहा है बाबू? आप भी करते हेलो, तुम कैसे बोलते हो? हेलो दोस्तों, कैसे बोलते हो आप? तो गाइस फोटो सेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है देर करवा देंगे सब लोग, लेकिन ठीक है हम मॉर्निंग में 4 बजे निकल गए थे और इसलिए टाइमली पहुंच जाएंगे तो इसलिए फोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं यहाँ पे ना और थोड़ा सा ना एयर भी चेक करानी होगी हमें आगे जाके ना। तो गाइस मुझे लगता है कि आज का ट्रिप इसलिए लेट हो जाएगा, देख रहे हो आप, इसलिए लेट होगा ये क्योंकि बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं, उनकी माएँ फोटो खींच रही हैं, उनके बाप भी लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं। गाइस 1 घंटा हो गया हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो गाइस अम्बाला कैंट 24 किलोमीटर, लुधियाना 137, जलंधर 194 किलोमीटर रह गया है और काफ़ी रास्ता हमने कवर कर लिया है गाइस और रोड एकदम खाली है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं हम 80-90 की स्पीड पे। काफ़ी सारे खेत हैं और अनीस भाई हमारे मस्त एंजॉय कर रहे हैं और पूरी फैमिली पीछे बैठी है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर आपसे मिलता हूँ मैं गाइस। तो गाइस पहले मैंने वीडियो में काफ़ी सारे देखा कि लोग यहाँ पर आते हैं और फोटो खिंचाते हैं और आज भाई मेरी ज़िंदगी में भी ये वो पल आ गया है कि मैं भी आज इस जगह पर इस लोकेशन पर खड़े हो गए मैं भी फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। लेकिन गाइस मज़ा बहुत आ रहा है यार, देख रहे हो क्या अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है गाइस, आ जाओ चलते हैं। तेरी याद सदा है रात रात, तेरी याद सदा है रात रात, यू लीव 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 बिन तेरे किड़ दा दा दा, हाँ कुछ यू लीव बिन तेरे किड़ दा। फास्टैग से सारे अमाउंट कटते जा रहे हैं तो फास्टैग यहाँ लगा हुआ है और मजा आ रहा है, मजा क्या आ रहा है इसमें यार, पैसे कट रहे हैं हमारे हर बार टोल लग रहा है, तीसरी या चौथी बार टोल लग रहा है और टोल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फास्टैग से कट रहा है तो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। गाइस पंजाब शुरू हुआ है शायद और भाई मैं पहली बार पंजाब में आया हूँ तो पंजाब में मैं अपना स्वागत करता हूँ और इन लोगों का भी स्वागत करता हूँ पंजाब के अंदर, तो वेलकम टू पंजाब। आपका भी स्वागत करना है क्या? इनका भी स्वागत करो भाई, ये भी स्वागत कराना चाहती है। रात कटे वही एक साथ ढले हवा, हाँ कुछ जूली लीव लीव दिन तेरे किट दा दा दा, हाँ कुछ जूली दिन तेरे किट दा, हाँ कुछ जूली। तो गाइस देख रहे हो ट्रक कितने खतरनाक तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे, दिन तेरे दिन ना तू मेरा।
तो इस बढ़िया सी लोकेशन में जूस पीने का मजा आ रहा है गाइस। 30 रुपए का गिलास पड़ा है मुझे, बढ़िया है, मजा आ रहा है और काफी मीठा है। तो गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई थी भाई, और मैं अपना साइड में बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा हूँ यार। व्लॉगिंग कुछ नहीं कर रहा भाई, थोड़ा सा रास्ते को भी एंजॉय करना चाहिए ना यार। और गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही है, ओवरऑल मज़ा आ गया नेक्सन के अंदर। फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, अच्छी चल रही है। और अंदर पूछते हैं भाई कैसा है जूस, बहुत ज़्यादा टेस्टी ना, मज़ा आ गया। एक्सीडेंट हो चुका है यार, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और हम इसके ठीक पीछे थे गाइस, तो हम सेफ हैं पर हम बच गए हैं। और अनीश भी ठीक है भाई, बढ़िया है, सही कंडीशन में भाई। अनीश ने बहुत अच्छी ड्राइविंग की, ये तो बताओ आप। ठीक है भाई, हम तो धीरे चला रहे थे, वो थोड़ा सा अंधाधुंध चला रहे थे, और बिल्कुल हैवी ट्रैफिक है भाई यहाँ पे ना। ठीक है, बढ़िया है मतलब। और अभी जूस पी के अभी निकले ही थे, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो गाइस किलोमीटर का तो अंदाज़ा नहीं है कितनी दूर चल के आए हम, लेकिन अब शायद 100 या 125 किलोमीटर रहता होगा अमृतसर। और एक टोल आ गया, और यहाँ पर टोल कितने लगने वाला है? 128 बचा है अभी। 128 कुछ है बचा हुआ है, 128 कुछ बचा हुआ है अमृतसर के लिए। 135 रुपये का टोल है, 135 रुपये का टोल है, और अमृतसर से पहले ये टोल पड़ता है। आई थिंक ये लास्ट टोल हो हमारा। गाइस आप देख सकते हो कि हमारी बाइक, हमारी गाड़ी में पंचर लग गए हैं, और एक पाजी मिल गए हमारे को जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये है पंजाब की खातिरदारी भाई, उस तरफ है पंचर वाला हैंगोड, अब किट ले आए गाइस, किट को यूज़ कर रहे हैं हम, और अपना पंचर ठीक हो जाएगा भाई अपना। प्रॉब्लम हो गई गाइस, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि हम पंचर किट लाए लेकिन ग्लास नहीं लाए, और ग्लास के बिना कील कैसे निकलेगी। भैया का सामान मिल गया, ये हमारे लिए प्लास लेने गए हैं, और इनकी दुकान में रखवाली कर रहा हूँ गाइस। देख सकते हो सफर में क्या क्या हो सकता है आपके साथ, सामान गिर गया था हवा से। थैंक यू भाई, प्लास मिल गया है हमारे को, भैया ने ला के दिया है, कितने हेल्पफुल है आपके लोग। ये आ गया प्लास, अब प्लास से ये अपनी कील निकल जाएगी भाई। चलो धन्यवाद भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके, पहली बार पंजाब में आए और मतलब मजा आ गया। क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह। आप आशीष या अनीश? गाइस मैं भी रुका होता न्यू इंदर पंजाब का ढाबा, और हमारे यहाँ कुछ भाई मिल गए जिन्होंने अभी हमारी हेल्प की थी, और वो भाई मौके की बात है, एक आर्टिस्ट है, कुछ कुछ सिंगर भी हैं, और भाई बहुत सारे कलाकार हैं भाई, तो अब मैं आप सबको मिलाने वाला हूँ। तो भाई आपका नाम बताओ। और तो भाई ये हमें कुछ दिखाने वाले हैं आज, ढाबे के मालिक क्या है। अच्छा, अभी भैया हमारे को कुछ दिखाने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल होगा कि आज हम तुम्हें कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे, तो देखते हैं भाई हमें क्या दिखाने वाले हैं, और कोशिश करते हैं हमें एंटरटेन करेंगे, तो आप भी एंटरटेन होंगे भाई। तो देखो भाई साहब, मैं ना पास सूरज वेखदा, सूरज नजर नहीं आ रहा सही तरह, अखा है देखने वाली, इन अखा सूरज कितों देखना,
ਚੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਲੋ ਭਾਜੀ ਜੇ ਨਾਪ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਾਇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੋ ਬਤਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮੇ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਨ ਭਾਈਓ ਕੋ ਯਾਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਲਿਖਣੇ ਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਟਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ और उन्हीं के साथ काम करते हैं ये तो भाई देख लो तो बताओ भैया कुछ बताना है देखो जी दसना की हसना खेडना मन का चाह हसते रहना चाहिए क्योंकि सोने सोने चेहरे जी सूरत जी हसते रहने चाहिए असल कॉमेडी कॉमेडी लभन लगा कई बार दूर नहीं जाना पैदा कई बार गली महल चो घर चो लभ जाती है जितना कि साढ़े गुआंढ एक मासी जी मैं मासी जी कहना इन सिर रोंद घर आ गए तो मैं कहते वे मिंटू मैं की है मासी मैं सुता है मैं नहीं मासी मैं जागता पे आए मर जाए तेरी अखा भी छुट्टिया ने पर मैं सुता के जागता मैं मासी काम दस की गल है कहती है पुत तेरा मासड़ 15-20 दिन घर नहीं आया पुत मैं मासी रोना गल की है चलिए रिपोर्ट लिखाई है मैं चल फोन वाला काम है मैं थाने चल गया मैं थाने सर जी जाहिंद कहते जाहिंद जी मैं मेरे मासी जी ने ते मेरे मासड़ जी यानी कि इन्होंने घर वाले 15-20 दिन घर नहीं आए तो मदद करो प्लीज फोन वाला काम जी कहते तुम बाहर खड़ो माता जी बिठाओ मैं मासी जी इस तरह ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਖਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਤ ਕੈਸੀ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕੱਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਦ 5.5 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਮਾਸੜ ਤਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ ਉਹ ਮਾਹ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 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 ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਸੇ ਆਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਲ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ और इसमें घंटी वाला बटन भी होता है हां जी घंटी वाला बटन भी दबाओ टन 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 बाय तो भाई चलते हैं फैमिली के लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा और ये भाई हमारे सब खड़े हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो सभी लोग उनसे मिलने आए थे और ये हमारे ओनर हैं इस वाले वेस्टर्न ढाबा के तो ब्रदर है अच्छा ये ब्रदर कैसे भैया आप लोग पूरी फैमिली बैठ के वेट कर रही है कि हम कब आएंगे पंजाब में आलू का पराठा नहीं खाया तो भाई कुछ नहीं किया तो गाइस ये देखो पराठा कितना बढ़िया लग रहा है हेलो गाइस लंच कर चुके हैं हेलो गाइस ये मेरी बेटी है निशा ये हाय हाय गाइस इसको मास्क लगाना बहुत ये मैं हूं डैडी की बेटी निशा कैसे निकलते हैं बाय बाय करते हैं सीधा तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट लेवल डबल हो गई भाई अब यहाँ से नीचे से निकलेंगे